हे गाइस, वेलकम टू ब्लॉग। तो बर्थडे है आज, बट बर्थडे से पहले मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि शिवानी की कल की पैकिंग करानी है, शिवानी को प्रिपेयर करना है शादी के लिए। इन मैडम का तो कहना होता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं, इनको मेकअप में इंटरेस्ट थोड़ा कम है। हाँ, मेकअप में मतलब कॉस्मेटिक वाली चीज़ों में इनको इंटरेस्ट थोड़ा कम है, बट ये कि मेन दिन पे तैयार होना वो सब तो रहता ही रहता है। इनको जबरदस्ती मैंने कुछ चीज़ें दिलवाई हैं कि हाँ भाई, घर में अपना कुछ तो करो ट्रीटमेंट, मुझे मैं ना ये दिखाता हूँ। लीपअप होती कि क्रीम लगा लो, फेस पैक लगा लो, ये सब मुझे आलस आता है। तो इनको जबरदस्ती मैं लेके आया हूँ तीन चार चीजें कि नहीं, ये चीज करो ही करो, मैं दिखाता हूँ क्या क्या आया है। ये मैंने दाब मॉम करके कंपनी है, उससे मैंने कुछ स्पेशल आइटम्स मंगाए हैं। एक ये टर्मरिक मंगाई है, प्योरीफाइड टर्मरिक फेस क्रीम, विटामिन सी का स्किन केयर किट, एक तरह से फेशियल होता है ये प्रॉपर। एक सेफ्रॉन की क्रीम होती है गाइज, ये बड़ी छोटी सी होती है, बहुत ही ज्यादा बेटर होती है ये फेस के लिए, खास तौर पे मेरे काम ठंड की तो में। ये ज्यादा है, मुझे ये बहुत पसंद एंड है। ये एक है टोनर, जो कि ये भी ठंड के पर्पज से ही है, तो मैंने कहा कुछ तो लगाते रहो एटलीस्ट फेस, क्योंकि काफी ज्यादा डल हो चुका है आपका। जब पतले हुए ना आप, तो आपका क्या हो गया, काफी डल हो चुका है फेस। और इनका कहना नहीं, मुझे कुछ नहीं लगाना, मैं सिर्फ फेस वॉश करूंगी, बहुत है। भाई पहले हम लोग जवान थे तो उसकी जो क्लियरिटी थी वो अलग है, अब दोनों बूढ़े होते जा रहे हैं धीरे धीरे, हाँ, ये तो तो उसके बात हिसाब है। से अभी जबरदस्ती एक मैंने ये मंगाया था, ये तो लोकल से लिया मंगाया था मैंने, तो नहीं, बहुत इनको अच्छा होता है ये। अभी जबरदस्ती मैंने कहा कि नहीं, ब्लीच एटलीस्ट कर ही लो, बट नहीं मान रही थी। अब जबरदस्ती डांट डूट के जबरदस्ती इनके लिए मैंने ब्लीच बनवाई है, इनके फेस पे लगाएंगे ब्लीच और देखते हैं कितना निखार आता है। हाथ पे भी लगाना है, हाँ, लगा लूंगी अब। हाथ पे भी बहुत सारा काम है, तो दिखाओ हम लगा देते हैं फेस पे, लेटो मस्त नहीं, मैं लगा लूंगी। लगा लोगे, लगा लो फिर हल्का हल्का। यस, तो ये जो सामान था गाइस, ये मैंने जबरदस्ती मंगाया इनके लिए कि अब स्टार्ट कर दो ये सारी चीजें, आज फेशियल भी कर लेना इससे, सैफरन लगाओ दिन में, टोनर ले जाना अपना मुंबई आप डेली यूज करने के लिए। वहां का मौसम कैसा है, ठीक है। गर्मी नहीं, ना ठंडी है। ना गर्मी है ना ठंडी है, ठीक है। दिल्ली में तो गाइस आज मस्त वाली बहुत बारिश हो बहुत रखी है, औसम बारिश। वाली बारिश चल रही है दिल्ली उसके में। बाद तो मुझे ना अपने बैग वैग निकालने हैं इसमें से, और ये पूरा भी। हाल देख रहे हो इस कमरे का, ये पूरा हाल है, क्योंकि इस बीच क्या है, पैकिंग होनी है। ये बैग रेडी हो चुका है शिवानी का, वो लहंगे दोनों बाहर ही हैं, मेरा वाला बैग उस कमरे में है, तो ये मेरे को भी सब रेडी कर करना है, क्योंकि मैं लूंगी। जस्ट इनके जाने के एक हफ्ते के बाद मैं भी पहुंचूंगा मुंबई, एक हफ्ते मुझे यहीं पे रहना है, उसके बाद मैं भी पहुंचूंगा। बाकी इनका करते हैं गाइस थोड़ा ट्रीटमेंट, इनको बनाते हैं थोड़ा सुंदर दुल्हनिया की तरह, क्योंकि दुल्हन की बहन है, किसी से कम नहीं लगना चाहिए, दिखना चाहिए विशाल तिवारी की वाइफ है। हाँ, तो चलो फटाफट पहले फेस पे ये लगाओ, ठीक है। शिवानी का तो करा दिया था फेशियल वगैरह कंप्लीट, अब बारी है यहाँ पर हमें करने की पैकिंग, तो दिखाते हैं आपको पैकिंग। तो शिवानी से पहले तो मुझे लग रहा है मुंबई यही चले जाएंगे। भाई साहब कहाँ जा रहे हो, चिपला के पास जा रहे हो मुंबई में? तो गाइज ये बैग शिवानी ने लिया है अपना मेकअप के लिए, बट शिवानी ने क्या इसको स्टार्टिंग में कहा था कि इसका बैग है, तब से जिद में है कि इसका ही बैग है, ये आपका बैग है। तो कहाँ जा रहे हो इस बैग को पैक करके आप? चलो ठीक है, चिपला बात जाओ, मम्मी को भी पैकिंग करने दो। तो गाइज ऑलमोस्ट काफी सारा सामान तो इन्होंने भर लिया है, बैग थोड़ा और साफ कर लेते। ये बैग एक एक्स्ट्रा ले जाती हूँ, इसमें मम्मी आते हुए अचार ये वो देती है, इसमें भर के लाती हूँ। अच्छा, देख लो सब, मैं पुराने कपड़े लेके जा रही हूँ, मेरे पास नए कितनी कपड़े। गरीब है बेचारी, मेरे पास नए कपड़े। सो सैड, मम्मी इतनी गरीब है पता है बेटा आपको? नहीं, क्यों नहीं पता? तो गाइस ये 50 किलो का बैग, ये फुल यहाँ से भरा हुआ है, देखिए ये पूरा का पूरा, ये देखिए। और क्या क्या रखना अच्छा रहा? मिल गया था ये, कहाँ पे मिला था ये? नहीं है, अभी अंदर से एक सैंडल निकालनी है, बैग निकालनी है। ओके, अरे बैग थोड़ी उठा ये आपकी शादी का ही था ना, अच्छा लगता है इस तरह से हाथ में ले लेके चलो। मांगो मेरा बैग। तो ये हो गया फुल आपका, और दो आपके छोटे छोटे हो जाएंगे, राइट? नहीं, एक वो दो लहंगे, कौन आ गया, दो लहंगे, एक बैग और एक छोटा बैग जिसमें खाने पीने का सामान रखूंगी। अच्छा, देखते हैं पहले कौन है। तो ज्यादा बन ही गया, एक तो आपका ये फुल हो चुका है, दो आपके वो लहंगे वाले हो गए। लहंगे वाले तो वो तो है ही थोड़े। हाँ, फिर साथ में अभी बेटू के लिए भी खाने पीने का रखूंगी। तो छोटा सा वो तो जाते ही कम हो जाएगा, आने के बाद ये बैग में सारा एक ही में भर लूंगी, आते हुए तो कम ही रहेगा। मुझे तो नहीं लग रहा। चलो वो मेरा बैग देना, टांग के जा रहे हैं, देखना उसी में टंगा हुआ है। मेरा बैग अभी नहीं छुपा दूंगी ना। अच्छा हुआ गाइस, अभी इनका फ्रेंड आया था ऊपर से, उनको ले गया है ऊपर खेलने के लिए। ये इसमें ऐसे रख दूंगी ना, आ जाएगा वो टूटने वाला सामान।
या उसमें रख लूंगी अपने खाने पीने वाले में, किट वगैरह ले जा। किस चीज की? फेशियल की। ये रहने दो, वहीं जाके एक बार तो कराना ही है। बाहर से कराना ही है एक बार तो कोई जरूरत तो नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। रख दो। आपकी भाभी अभी को करना हो घर में तो कर सकती हैं। भाभी नहीं करेंगी वैसे तो। सपोज करो बाहर जाने का मन नहीं है किसी का, आपकी मम्मी है नहीं जाना चाहती, घर में कम से कम करवा देना जबरदस्ती। तो गाइस ये है इनका पूरा का पूरा बैग जो इन्होंने फाइनल किया है, कल की इनकी है टिकट। अच्छी लग रही है ना छोटी सी। इसमें मेकअप मेकअप का रख सकते हो। हाँ, इसमें ये सब फेशियल ये वो ये सब रखा है। अब बताओ कितना हो रहा है क्या? बैग देखो वो दो सारे मिला के चार हो रहे हैं। चार कार से चले ऑटो से चले किससे भी चलो, ये दो आपको उठाने पड़ेंगे। कौन से दो? अच्छा वो रेड वाला भी हो रहा है। रेड वाले में क्या है? उसमें बेटू का है, इसमें मेरा है। तो दो लहंगे एक येलो एक ये। कायदे में तो दो ही हैं, दो ही, एक मेरा है एक बेटू का है बस। लेकिन वो सब एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं ना, वो उसमें खाने पीने का रखूंगी, इनकी वाइफ वगैरह रखूंगी। उसमें आ जाएगा सब कुछ ही? हाँ उसमें आ जाएगा। तो मतलब अलग से खाने का कुछ अलग से नहीं रखना ना छोटा मोटा? वही तो, वही वाले में। कौन से वाले में? जो एक पिंक कलर का ऐसा है उसमें रखूंगी, बाकी ये दोनों तो हाथ ये तो फ्री रहेंगे या ऊपर ही रहेंगे, कुछ अंदर थोड़ी। अगर कुछ उसमें ही आ सकता तो उसी बैग के अंदर डाल दो ना, ज्यादा नग में ना दिक्कत ये आती है कि इधर उधर हो जाते हैं। आप कह रहे हो ऐसे एक बैग में ये दोनों लहंगे डाल दो ना, और क्या अलग अलग से बढ़िया है कि एक ही बैग में रहे ना। देखती हूँ उसी में आ जाए मेरे वाले में वो भी, तो देख लो आ जाए। बस हो गया। एक ग्रीन कलर का बैग है ना वो भी ले लो ना, जो पहिए वाला है। इसमें नहीं, एक जो बैग है एक और ले जाओ, क्या दिक्कत है? कौन सा बैग है? जो अंदर एक और पहिए वाला है हरे कलर का छोटा सा। जो आपका वाला है? मेरा वाला नहीं, एक और है। क्या कपड़े है? वाला, उसमें दोनों ले जाओ। नहीं ना इसमें ठीक है, इसमें वो तो हल्के हैं। बस हो गया, इसको पैक करती हूँ, बंद करती हूँ। इसमें तो मेरे बहुत सामान आता है, तो भर लो इसमें। अगर अब लहंगा आता है तो ट्राई करके देख लो, भर दो। नहीं छोटा मोटा कुछ हो रहा है तो भर दो, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ज्यादा वो ना हो। ना कुछ नहीं है ना उसमें, तो खाने पीने चिप्स वगैरह इसमें खोलने लगूंगी, बेटू जिद करेगा। लहंगा नहीं आएगा इसमें? लहंगा नहीं आएगा, कुछ और छोटा मोटा आएगा तो आ जाएगा। आपके भी तो इसी में भरी हूँ। हाँ मेरा सिर्फ एक भरी हो तो एक भरी हूँ, भरी तुम। अरे यार पैंट भी तो लेने चलनी है। हाँ वो भी लेनी है आज। बस तो गाइस फाइनली गाइस शिवानी का जो भी तैयार हुआ है बैग, एक ये फुल तैयार हो चुका है, एक वो तैयार है बीटू के लिए, दो इनके लहंगे, एक इनका एक इनकी बहन का। ये कैसे लॉक था इसका? खराब कर दिए। नहीं होने का मतलब यही होता है कि खराब हो गया, मतलब वो हर उसमें खुल जा रहे लॉक में। हर लॉक में नहीं खुलेगा, पासवर्ड याद है ना। ऐसे इसमें तो डर नहीं है लड़का, इसका पासवर्ड भूल भी जाते हैं इसे कट मार के खुल जाएगा, है ना। इसी तो खराब हो जाएगी पागल लड़की। बेटे तो कितने जूते ले जाऊं, एक ही देख लो, ले जाती हूँ है ना। नहीं देख लो ड्रेस के हिसाब से, तब तो सारी रखनी पड़ेगी। रख लो उसको, तो एक सेपरेट बैग है ना, उसके बैग में तो जगह है ही। उसका यही है बैग। हाँ तो जगह है, जगह है। अब उसके लिए चिप्स विप्स दिला देते हैं अच्छी अच्छी। तो भाई शिवानी अब स्टार्ट कर रही है अपनी बहन की शादी की तैयारी के लिए, वो भी मेरे कहने पे। इतना इनका फेशियल करा दिया, अब लास्ट इनका पैक करा दे एंड कंप्लीट हो जाएगा इनका। बस इसके बाद तो मैं जाके कुछ कराना कराऊंगी। देखो जब देखो करते रहना चाहिए मेरे हिसाब से, वो करते रहना चाहिए। लेकिन जब मैंने कभी कुछ नहीं लगाया है, मेरा ऑलरेडी स्किन अच्छी थी। आपकी थोड़ी वो डल हुई है यही जो बीमारी की वजह से ना, इसलिए हो गई हूँ ना, इसलिए सारी चीजें वो अब ग्लोइंग कम है। वरना पूछो किसी से भी मैं कुछ नहीं लगाती थी, कुछ भी नहीं। और डल इसीलिए हो गई क्योंकि आपकी सिर्फ क्या लगाती थी, बेसन। तो वही लगाओ जो चीज शूट करती है वही लगाओ। होम रेमेडी करती थी बढ़िया, कभी कुछ नहीं लगाना और फेस चमकता रहता था हमेशा।
अब क्या पतला हो गया ना इसलिए ऐसा है, लेकिन तब भी चमकना तो है ही है ना। और क्या, बढ़िया से तैयार होंगे, अभी तो वहां जाके भी कितने काम है मुझे। क्या काम है? अरे बहुत काम है, बहुत सारे काम अपना है। सब मैनीक्योर पेडीक्योर जो जो कराना है सब करा लेना, बिल बता देना, हम पे कर देंगे डायरेक्ट। ओके, 5-6 हज़ार रुपए का बिल बनेगा दो। आपको नहीं पे करेंगे, सीधे उसी को पे करेंगे। हाँ और क्या, तब तो बढ़िया है, ये तो कहीं और अच्छी बात कहीं है। चालबाजी करो कि हमसे ले लो 5 हज़ार रुपए, काम कराओ 10 रुपए का। मुझे सही बताओ, मुझे वही अच्छा लगता है, मैं ले लूँ आप दे दो, मुझे मत दो, तो मुझे जरूरत बस नहीं है। वही, कहीं ऐसा ना हो ना कि काम आप कराओ 10 रुपए का, कि आईब्रो बनवा ली ले लो 5 हज़ार रुपए, कि जी ये हाँ भी कराया था वो भी कराया था वो हाँ भी कि कराया पांच था। हजार की ज्यादा से ज्यादा बहुत महंगी होगी, 300 की होगी आए, बस। हमें क्या पता चलेगा कि क्या क्या कराया, इसलिए पेमेंट हम सीधे ब्यूटी पार्लर वाले को करेंगे, क्योंकि वो तो ना बिल्कुल झूठ बोलेगी। नहीं, उसी को करना, उससे हाँ, मैं ले लूंगी, और ज्यादा बढ़िया तो उससे कहना बिल बना के दे, जान पहचान की तो रहेगी वो, उससे कहो बिल टाइम बना के दे लगेगा। पूरा, क्या हाँ क्या किया है उसने, फेशियल किया है, क्या मुझे क्या ना कोई किया। चीज लगा दी तो कुछ खुजली होने लगती है, जो चीज नहीं लगाती हूँ ना आप कभी, ईचिंग मचाते, आप खुजली मचाते होगे ना फेस पे, नहीं इस कुछ नहीं चक्कर में वो करती, होता होगा। जब कुछ लगाती हूँ ना तो वो अजीब सा होने लगता है हल्का सा काम। पंखा चला लो, नहीं ऐसे ठीक है, देख रहे हो कैसे काला काला लग रहा हूँ। अपना क्या लास्ट डे पे सैलून जाने का है, शेविंग कराने की है, थोड़े बहुत बाल कराएंगे सेट, हम देखेंगे अगर मूड बना तो फेशियल कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे, पर चांसेस है शायद करा लूँ मैं, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा कालापन आ रहा है, देखो है काली ना। मेरा मुंह तो बस पिचक गया है आपको अभी तो पतला बस। हो गया है ना, मैंने आपको तो पहले तो बहुत सही था, हेल्थ अगर आपकी सही हो जाए तो वो चीज़ बेटर लगेगी, बट जब से आपकी हेल्थ गई है ना तब से थोड़ा लुक खराब हो गया, मेरे रंग में क्या है हल्का सा वो आ चुका है। इस तरफ आओ, इधर से देखो अंदर से लाइट आएगी, कैसे आ रहा है, मैं तो एकदम गोरी लग रही हाँ हूँ, एकदम वाइट टोन जिसे कहते हैं। अपना गोरी सामान रख लिया ना, गोरी मेकअप का सारा, फेस गोरी वॉश वगैरह, यस, तो एक आध फेस वॉश यहाँ छोड़ देना, एक आध वो अपना ब्रश प्रश सब अच्छा कल सुबह करके कल रखोगे सुबह ना, करके रखूंगी। बाकी खाने वाने की टेंशन है ही नहीं गाइस, गाड़ी के अंदर खाना वाना मिलेगा ही इनको, वेजिटेरियन बुक कर दिया इनके लिए मैंने, जो जो मिले सब लेते रहना, जो मिले एक्स्ट्रा ले लेना बेडों के हिसाब से, क्योंकि गाइस इसमें खाने में दिक्कत नहीं होती ना, क्योंकि अगर ऐसी गाड़ी करा लो कम से कम, कि क्योंकि हम नॉर्मल ट्रेनों में जो हम खाना लेते हैं वो बहुत ही ज्यादा अनटेस्टी होता है, बिल्कुल बेकार, देखा है क्या खाना, बल्कि जबकि ये लोग जो देते हैं थोड़ा बहुत खाना एवरेज होता है। किसी की बारात जा रही है, बरातों को तो सीजन तो हो गया गाइस, मैंने तो उनको कहा है कि अभी तो जा रही भीड़ है, भाड़ इतनी होती है ना रोड पे, पूछो मत, अब ये जा बहुत रही है मुंबई, मुझे जिस दिन ज्यादा भूख लगेगी तैयार हूँ आराम से निकल जाऊंगा किसी की भी बारात में खाना खाने। और क्या, और क्या, एक दो दिन की डाइट तो ऐसी हो जाएगी ना अपनी, देखो किसी भी ड्रेस में चला जाऊँ तैयार लगूंगा, अभी मैं लग रहा हूँ कि हाँ पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ, देखो अगर मैं अभी सीधे चला जाऊँ कहीं पर लोग कहेंगे हाँ पार्टी वाले ही बंदा है, तो उसमें क्या जा रहा है भाई, फूफा की बारात है, चाचा की बारात है, भाई की बारात है, अब वो सिस्टम नहीं है। पहले बहुत करता था गाइस, मैं सच बोलूं मैं पहले इस तरह की बारातों में जा चुका हूँ काफी बार, 2-3 बार, बड़ा मजा आता था फ्रेंड सर्कल में स्कूल टाइम पे, हम लोग पहुंचते थे एंजॉय करते थे, बट जब से कोविड आया तब से स्कीम जो है हमारी सबको पता चल चुकी है, क्योंकि अब हम झूठ नहीं बोल सकते कि हमारे चाचा की, क्योंकि ऑलरेडी हाँ, सिर्फ फैमिली मेंबर ही आते हैं उसके हो अंदर, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी कंफ्यूजन रहती बिना है, कार्ड की तो एंट्री बाकी नहीं हो वो मस्ती सकते। थी उस टाइम की, मजा आता था घूमने फिरने में, तो बाकी ये है कि अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इनका फेस पैक वगैरह कंप्लीट हो जाए, एंड उसके बाद हम लोग कंप्लीट करके हम लोग जाएंगे कहीं रेस्टोरेंट में। 2-3 चीजें हैं, कल जो जीन्स आई है शिवानी जो लेके आई है उस जीन्स के अंदर दिक्कत है, हाँ वो थोड़ी जीन्स ना में प्रॉब्लम हुक नहीं है, हाँ उसकी बटन जो है काज उस जो टाइम होता है ध्यान नहीं दिया, वो बटन नहीं है, तो हाँ, आज मैं उसको चेंज कराऊंगी, वो एक्सचेंज होगी, एंड हाँ, सेकेंडरी मेरी जो मैंने ड्रेस ली है उसकी पैंट की फिटिंग होनी थी, फिटिंग कल दे दी थी हमने, तो आज वहां से पिक करना है, बेटू के लिए कुछ सामान भरवाना है, सामान में जैसे लेस कुरकुरे जो भी वटेवर नहीं, तो है, ट्रेन में बहुत परेशान करते हैं, किसी बच्चे को देखता है ना मिलता है सब उसमें, मिलता है लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो चीज जो खानी होती है किसी के देख के ना, तो कुरकुरे वो चीज लेना, नहीं कुरकुरे होता, ज्यादा खाता है, कुरकुरे फ्रूटी ले लूंगी, वूटी तो लेस मिलेगी, ले लूंगी, बाकी बिस्किट वगैरह सब रखा हुआ हाँ, है बस ठीक है वो ले लेंगे, एंड देन आगे का क्या रूट है वहां से बाकी चलते हैं, वहाँ पे कुछ खाते चलते पीते हैं, थोड़ा सा चलते एंजॉय हैं, थोड़ा बहुत करते खा पी के फिर आ जाते हैं घर, क्योंकि कल की ट्रेन भी है तो अब ज्यादा आज भाग दौड़ नहीं करनी है, आज वैसे आज हाँ हमारा देखना कुछ अच्छा प्रोग्राम था, हमने सोचा था कि घर पे बच्चों बच्चों को बुलाएंगे, खाना वाना सब करेंगे,
बस वही है, कल की ट्रेन की वजह से आज सब कैंसिल प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हॉट पॉच पड़ जाता और काफी ज्यादा थके थके रहते ना, दिक्कत आती इस चक्कर में वो प्लान। और आज ये सब चेंज कराना था कपड़े वपड़े, उसमें भी टाइम जाता है, अप्रोक्स 7:30-8 तो अभी बच चुके हैं, उसके बाद फिर और लेट हो जाते हैं। बाकी इनकी बहन की शादी जस्ट नजदीक है, ये कल जा रही है, उसके एक हफ्ते के बाद मैं जाऊंगा, उसके बाद ही हल्दी मेहंदी और वट एवर जो जो बाकी मैं जा रही हूँ, वहां से आप लोगों को ब्लॉग मिलेगा ही मिलेगा, ब्लॉग डेली डालना जो जो हो रहा है सुबह शाम, कम से कम हम भी देखते रहेंगे, आपको भी अपने बेटू को भी दोनों बिल्कुल ठीक है, हम भी देखते रहेंगे, तो गाइस आप लोग भी देखते रहिएगा। बाकी शादी का मजा तो ब्लॉग में आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे आप देखेंगे ब्लॉग को वो सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा शादी को लेके भी। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे कर देता हूँ एंड, कुछ रिलैक्स करने के बाद निकलते हैं हम लोग कहीं बाहर के लिए, रेस्टोरेंट वगैरह, वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको शूट करके दिखा दूंगा कैसा रहा वो, क्योंकि वो छोटा ब्लॉग होगा, मस्ती वाला होगा, बर्थडे को लेके होगा। तो बेटू गया हुआ है मेरा ऊपर, ब्लॉग का कर देते हैं एंड, हम ही दोनों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में पार्टी के साथ, बाय बाय।